Hello everyone, this is Pramod Kumar and I will tell you, I will guide you how to take small decision in your daily life and which can be the building block, which can be basis for your big success. तो हम दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर ये कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें दूसरा ख़राब लग रहा होता है और दूसरा लेते हैं तो हमारे पहला ख़राब लग रहा होता है कि हमारा डिसीजन गलत तो नहीं है। तो हम डेली लाइफ में कैसे डिसीजन लें ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अच्छा डिसीजन कहलाएगा, तो आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एवरी स्मॉल डिसीजन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस। तो कुछ सवाल ये आता है, हाउ टू टेक डिसीजन इन डेली लाइफ विच कैन लीड टू ए बिग अचीवमेंट। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर आपके सामने कोई डिसीजन लेना है तो उसमें दो चीज़ हो सकती हैं, वो आप उस दो चीज़ के क्राइटेरिया बता सकते हो। या तो वो चीज़ें अर्जेंट होंगी या फिर अर्जेंट नहीं होगी। दूसरा, वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए उस समय कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इस सब कैटेगरी में अगर आता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका जो वर्क है या काम है या जो भी आपके सामने जो दिख रहा है वर्क, वो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो तुरंत कीजिए, उसको तो तुरंत ही करना है। अगर इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, तो उसको क्या करना है, उसको डिसाइड कीजिए कि कब करना है, ठीक है। अर्जेंट नहीं है, जैसे मान लो आपको वैक्सीन लगवाना है, ठीक है, वैक्सीन लगवाना है, तो आप क्या करेंगे कि अभी आप इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, एक डेट डिसाइड करेंगे कि इस दिन में जाऊंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली आते हैं कि अगर चीज़ें नॉट इम्पोर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं, जैसे कि आपको डेली मिल्क चाहिए रूम पे या घर पे मिल्क लाना है, तो उसको डेलीगेट कर दीजिए, मिल्क मैन को बोल दीजिए कि डेली आपको वो घर ला के देगा। अभी ऐसा नहीं करना है कि आप जाके डेली आप ही खुद जाके उसको ले के आ रहे हैं दूध को, आपका टाइम जाएगा, वो टाइम आपको और जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा कोई काम जो कि नॉट अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उसको तो डिलीट ही कर दीजिए, वो तो बिना किसी काम के नहीं, आपके किसी काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम है, कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, मैच आ रहा है, मैच आपको देखना है कि नहीं देखना है, अर्जेंट है नहीं है, इम्पोर्टेंट है नहीं है, तो इसको आप डिलीट छोड़ दीजिए, इस काम को कीजिए मत, तो आपके लिए डिसीजन आसान होगा। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट विल बी ऑल्सो हेल्प यू टू मेक बिग डिसीजन समटाइम्स। So thank you very much and enjoy your study.